नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज और इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। यहां योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन पर चार महकमों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने ठीक चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में चार महकमों की जिम्मेदारी संभाले हुए थे और ठीक चुनाव से पहले अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि मौर्य ने अभी तक अपने इस्तीफे की वजह साफ नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वे बीजेपी छोड़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे और इस बार उनके सपा में शामिल होने की अटकलें हैं। तो ठीक चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं कहा है फिलहाल, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। अभी तक बीजेपी ये दावा कर रही थी कि आने वाले दिनों में वही सरकार दोबारा बनाएगी। और हम आपको इसके साथ ये भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा दे देना और पार्टी छोड़कर चला जाना योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा ही करारा झटका है। साथ ही उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा सीधे राज्यपाल को सौंप दिया है और हम आपको बता दें कि वो योगी मंत्रिमंडल में श्रम एवं सेवा योजना और समन्वय मंत्री थे। इसके अलावा उनके पास चार विभागों का पदभार था जिसे वो संभाल रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने की अटकलें हैं और उन्होंने जो अपना इस्तीफा दिया है अपने पत्र में लिखा है, उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्होंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की ओर से उपेक्षात्मक रवैया को अपनाने की वजह बताया है अपने इस्तीफे में। उन्होंने कहा है कि इनके साथ जो है सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इसीलिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक कद्दावर नेता हैं और इससे पहले बीजेपी से पहले वे बसपा में थे। बसपा में भी उनका कद काफ़ी बड़ा था और अभी तक जो है वे योगी सरकार के चार महकमों के मंत्री थे, लेकिन अब वे सपा में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। तो ये योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है कि उनके मंत्रिमंडल का एक प्रमुख सीनियर नेता जो है वो अपना ना सिर्फ मंत्रिमंडल छोड़ा बल्कि पार्टी को अलविदा कर करके एसपी ज्वाइन करने जा रहा है। तो ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अखिलेश यादव जो लगातार यूपी के कोने कोने में जाकर लोगों से सरकार बदलने की अपील कर रहे हैं और लोग उनकी सभा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनके रैलियों में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाला 2022 का विधानसभा जो चुनाव है वो एसपी के पक्ष में खाते में जा रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तरह से इस्तीफा दे करके इस पे मुहर लगा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की समझ होगी कि बीजेपी यूपी से जाने वाली है। शायद इसीलिए उन्होंने इन मौके पर जो है साइकिल की सवारी कर ली है।